स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढ लीजिए। हाँ निशान जी, भैया भैया ठीक बोल रही है। उस दिन मैंने डर के मारे निशान जी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उसके लिए I'm sorry। नहीं चाची जी, निशान जी आप कुछ नहीं कीजिए ना, भाभी को वापस ला दीजिए। बोलो ना इनको पिया, मेरे भाभी वापस ला लो। चैताली जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी लैब जाकर इस बारे में रिसर्च करता हूँ। ऑलराइट, लेकिन तब तक हम इस राग को यहाँ ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि गुड़िया अगर होना का दाऊ लग गया तो वो इस राग को फेंकने की कोशिश जरूर करेंगे। इस राग को फेंकना ही होगा अंश, नहीं तो ये महाडायन बन जाएगी। अगर महाडायन बन गई तो समझ लो हम सब के सब मारे जाएंगे। वो हमारी माँ है। छुटकी जा चुकी है, अब इस राख के जरिए जो भी वापस आएगी वो तुम्हारी माँ नहीं महाडायन होगी। I just know one thing, अगर कलाश्री महाडायन बन गई तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जब रीवावंशी जी को ही नहीं पता है कि डायन जोड़ को कैसे तोड़ा जाता है, तो इसका मतलब डायन जोड़ को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम महाडायन को बनने से रोक दें। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा मोहरा। जेठा जी समझने की। चुप रहो तुम, एक और लफ्ज नहीं मोहरा, इन सब मुसीबतों की जड़ तुम हो। जब जब तुम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में आती हो, तब तब मुसीबत साथ लेकर के आती हो। बख्श दो हमें मोहना, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। पर दादू, इस बार मोना दादी ने हमारी हेल्प की है। हाँ दादू, अगर दादी नहीं होती तो फिर हम आपको डायन मिरर के बाहर नहीं ला पाते। बेटा, आप इनको जानते नहीं हो, अगर इन्होंने हमारी मदद की भी है ना बेटा, तो वो हमारे लिए नहीं की है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। ये सिर्फ अपना फायदा देखती है, इसे महाडायन से खतरा है, और इसीलिए ये अभी भी महाडायन को बनने से रोकना चाहती है। हाँ, हो सकता है हम अभी भी वेदश्री भाभी को वापस ला सकते हैं, लेकिन नहीं, ये उनके बारे में नहीं सोच रही है, इन्हें अभी भी सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो भी है, लेकिन तुम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैंने तुम लोगों की मदद की है। अरे मैंने तुम लोगों के लिए अपनी एक आंख तक दे दी। अरे डायन, तू अगर थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को निकाल सकती है तो जाहिर सी बात है कि तू उसे वापस भी लगा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर ये इतना आसान होता तो मैं अभी तक अपनी आंख वापस लगा चुकी होती, ऐसे एक आंख के साथ घूम नहीं रही होती। डायन की आंख को डायन हीरा बना दिया जाए तो उसके बाद उसको वापस लगाना कितना मुश्किल है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों की मदद की। और यही नहीं, मैंने तुम लोगों को आगाह करने की भी कोशिश की थी, कितना कहा, कितना समझाया, टाइम शीशे के बारे में भी बताया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। और अभी भी तुम लोग मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ, महाडायन आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो इतनी ताकतवर होगी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर मैं भी तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। बस करो। मैं नहीं जानती इस राख से क्या होगा, लेकिन जब तक हमें माँ को बचाने का रास्ता नहीं मिल जाता, हम ये राख संभाल के रखेंगे, है ना बाबा? हाँ गुड़िया। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानिए, लेकिन कम से कम इतना तो पता कर लो
कि इस राग से अब होगा क्या। लेकिन हम वो कैसे पता लगाएंगे। तुम लोगों के डायन रूप से। वो सब कालाश्री से मिले हुए थे, उन्हें जरूर पता होगा। लेकिन वो हमें क्यों बताएंगे। तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन एकायन को जरूर बताएंगे। ये सब कहाँ चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कलाशी के जाने से वो लोग भी डायन शीशे के अंदर चले गए हो। नहीं, शीशे टूटे हुए हैं। जब वापस जाने का कोई जरिया ही नहीं है तो वो लोग वापस नहीं जा सकते। ये सही कह रही है। हमें भी बाहर आने के लिए बाथटब के पानी का सहारा लेना पड़ा था। कहाँ फर्क पड़ता है बेटा कि हमारे डायन दर्पण कहाँ है। आज बेटा इस वक्त हमें सिर्फ फैतिश्री तेरी माँ को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी उन लोगों का मिलना जरूरी है ताकि हम उसे पूछ सके। अगर वो लोग नहीं मिले तो मेरी अंश, तुम भैया को अंदर ले जाओ, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी चाचू। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तू। डोंट वरी पापा, हम मां को जरूर वापस लेकर आएंगे। मकाना आप आराम कीजिए पापा। बस आप हिम्मत मत हारिएगा। आज तक हमने हर मुश्किल, हर परेशानी, हर खतरे का सामना डटकर किया है। इस बार भी हम हार नहीं मानेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको जरूर वापस लेकर आएंगे। पापा, मैं पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। पापा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं जानता हूँ गुड़िया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें। हमने बहुत बार बहुत लोगों को रिवाइव किया है, लेकिन ये बहुत अलग है गुड़िया, और बहुत रिस्की। रिस्की मतलब? मान लो जैसे तैसे करके हमने उस राह को रिवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया, फिर भी हमें ये नहीं पता कि कौन वापस आएगा। राग बनने से पहले पेट्री जी और कलाश्री दोनों एक हो गए थे, तो हो सकता है कि वो दोनों वापस आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक वापस आए, और अगर वो कलाश्री हुई तो अगर रिस्की है तो हमें ये रिस्क उठाना होगा। बाबा, आप इस कुछ भी कीजिए, लेकिन माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढ लीजिए। हाँ निशान जी, भैया भैया ठीक बोल रही है। उस दिन मैंने डर के मारे निशान जी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उसके लिए I'm sorry। नहीं चाची जी, निशान जी आप कुछ भी कीजिए ना, भाभी को वापस ला दीजिए। बोलो ना इनको, भैया मेरे भाभी वापस ला लो। चैताली जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी लैब जाकर इस बारे में रिसर्च करता हूँ। ऑलराइट, लेकिन तब तक हम इस राग को यहाँ ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि गुड़िया अगर होना का दाव लग गया तो वो इस राग को फेंकने की कोशिश जरूर करेंगे। समझ गए।
घर की खुशियां, हमारी जिंदगी, वैद्यश्री, सब आपके हाथ में है, याद रखिएगा। मेरी वैद्यश्री को वापस ले। आप फिक्र मत कीजिए शेखर जी, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम इंतजार करेंगे पापा। हेलो पापा, तारी मामा जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? डोंट वरी मैडम, सब ठीक हो जाएगा। आप उनको जल्दी वापस लेके आना। मैं जानती हूं तुम लोग इस राख को मुझसे दूर भेज रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।